स्थायी रूप से स्थायी का मतलब परमानेंट और लंबे समय तक चलने वाले समय के लिए सत्ता प्राप्ति की राह केवल एक ही है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए विशेषकर भारत में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से कोशिश करते हैं, अनेक मुद्दे लाते हैं और उनमें से कुछ मुद्दे सफल होते हैं और इस तरह से कई बार वे सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन स्थायी रूप से सत्ता प्राप्ति हो इसके लिए क्या आवश्यक है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ समाज वर्गों और जातियों में सर्वाधिक बटा हुआ है। आइए इस पर चिंतन करें कि आखिर ऐसी कौन सी राह है जो आपको स्थायी रूप से सत्ता में भागीदारी दे सके, आप सत्ता तक पहुँचे तो स्थायित्व रहे। चलिए विचार करते हैं। प्रजातंत्र के चार स्तंभ कहे गए जिसमें विधायिका जिसके लिए चुनाव होते हैं और जिसके माध्यम से सत्ता है मिलती है, उसके अलावा तीन बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक मीडिया, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये तीन स्तंभ मीडिया, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये चौथे राजनीतिक स्तंभ के लिए आधार है। अगर किसी राजनीतिक दल को इन तीन स्तंभों का सहयोग मिलता है तो वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में सफल होता है। अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से राजनीतिक आंदोलन खड़े होने पर या राजनीतिक उथल पुथल होने पर अनेक दल सत्ता में आ जाते हैं, मगर चूंकि उनकी पकड़ मीडिया में नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं होती है, जुडिशरी में नहीं होती है, तो वे बहुत ही शीघ्र सत्ता से बाहर हो जाते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों और देश में अनेक उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। खास रूप से ऐसे वर्ग और ऐसी जातियां जिनकी संख्या तो बहुत अधिक है, अपने को वे संविधान के OBC, SC, ST, अल्पसंख्यक इत्यादि इत्यादि खांचों में बांट कर देखते हैं, मगर इन्होंने कभी चिंतन नहीं किया कि उनका प्रतिनिधित्व, उनकी भागीदारी जुडिशरी में कितनी है, न्यायपालिका में कितनी है,
कार्यपालिका में कितनी है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, और मीडिया में कितनी। ये सब जानते हैं कि इन तीनों में उनकी भागीदारी नगण्य है, नहीं के बराबर। लेकिन ये सब जानते हुए भी इनके दलों द्वारा कभी समाज सेवा के माध्यम से, राष्ट्र सेवा के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से यह कोशिश नहीं की जाती रही है कि इन तीनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक इनके वर्गों के सदस्य, इनके जातियों के लोग आगे बढ़ें, उन्नति करें, भागीदारी प्राप्त करें, मीडिया में जाने की कोशिश नहीं होती। तमाम लोगों को तो इच्छा ही नहीं होती है, जानकारी भी नहीं होती है, और जो लोग मीडिया में पहुंच भी जाते हैं उनका सम्मान भी इन्हीं वर्गों के नेता बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वे इनके महत्व को जानते हैं। राजनीति करते हैं मगर वे नहीं जानते कि मीडिया में पहुंचे बिना वे राजनीति कैसे करेंगे और कब तक करेंगे और कितनी करेंगे। फिर भी वे राजनीति करते रहते हैं और लगातार छुटपुट सफलताओं के अलावा फेल होते हैं, असफल होते हैं। इसी प्रकार मीडिया की तरह ही इनके वर्गों के लोग, इनकी जातियों के लोग नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में ना के बराबर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और तभी ब्यूरोक्रेसी में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी कि ताकि ये राष्ट्रीय भूमिका में आए, उन्नति करें। लेकिन फिर भी तमाम कारणों से इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। इसी प्रकार मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ न्यायपालिका में भी इनकी स्थिति दयनीय है। इन वर्गों के लोग जहां इन क्षेत्रों में समय देना चाहिए उसके बजाय वो धार्मिक कर्मकांडों में अधिक समय देते हैं, तरह तरह के अपने जीवन भर इन्हीं धर्म कर्म के कामों में लगे रहते हैं। जब अगड़े वर्गों के लोग पढ़ाई करके इन तीन क्षेत्रों में आगे और आगे निकलते हैं, उस समय ये अपना पूजा पाठ और अन्य कर्मकांडों, धार्मिक रीति रिवाजों में लगे होते हैं। अब जब उन क्षेत्रों में जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, इनके जो राजनीतिक नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, वे भी इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाएंगे कि इन समाजों के लोग अधिक से अधिक मीडिया में जाएं, अधिक से अधिक नौकरशाही में जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, और अधिक से अधिक न्यायपालिका में आगे बढ़ें, उन्नति करें। इन तीन क्षेत्रों में जब तक अन्य अगड़े वर्गों की तरह कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तब तक राष्ट्र भी कमज़ोर होगा और कमज़ोर रहेगा, क्योंकि ये बहुसंख्यक आबादी है जो 80-85% तक हो जाती है। अकेले OBC के अंतर्गत आने वाले ही 50-55% भारत में है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मिला करके तो भारी संख्या होती है। तो इन वर्गों में जब तक ये चेतना नहीं आएगी कि उनको अगणों की तरह
अपने समय का अधिक सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक मीडिया में जाना है, अधिक से अधिक जुडिशरी में जाना है, अधिक से अधिक सरकारी मशीनरी में, ब्यूरोक्रेसी में जाना है। तब तक ये राजनीतिक सत्ता स्थायी रूप से नहीं प्राप्त कर सके। और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पश्चात इनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति संभव होगी, संभावना बढ़ेगी और राष्ट्र समग्र रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा। अन्यथा जिस राष्ट्र का, जिस समाज का बहुसंख्यक धड़ा नीचे पड़ा हो तो समूचा राष्ट्र ही पिछड़ जाता है। कोशिश की जानी चाहिए हर समझदार व्यक्ति के द्वारा, जिसको राष्ट्र से प्रेम है, कि ये स्थिति सुधरे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र का व्यक्ति विभिन्न ऊंचे पायदानों पर पहुंचेगा, उतना ही राष्ट्र उन्नति करेगा। कहने को तो विश्व गुरु की बातें होती हैं, लेकिन विश्व गुरु चंद लोगों के या चंद वर्गों के बनने से नहीं बनता है। उसके लिए समग्र राष्ट्र को ऊंचाई पर पहुंचना होता है। एवमस्तु। जय भारत। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि।